Hello everybody, welcome to our channel, Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about the forests. Forests are a natural resource. Forest is a natural resource. They can be defined as a land area which is densely covered with various types of herbs. Forest ko hum is tarah se define kar sakte hain ki aisa land area jo ki kai tarah ke herbs, climbers, shrubs, trees se densely covered hai. द काइंड ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. जिस तरह के फॉरेस्ट हमें एक पर्टिकुलर रीजन में मिल सकते हैं वो बेसिकली वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. क्यों फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. फॉरेस्ट एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है उसको बैलेंस उस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. दे प्योरीफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. वो एयर को प्योरीफाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करके. फॉरेस्ट प्रोवाइड द हैबिटेट फॉर वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट है फॉरेस्ट. हैबिटेट मीन्स एक होम, ए पर्टिकुलर होम. प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स. कई प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती हैं ट्रीज की ब्रांचेस पर. मंकीज और बैट्स ट्रीज पर ही रहना पसंद करते हैं. ट्रीज एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट द विंड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड. ट्रीज एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं. अगर बहुत हाई स्पीड से विंड आ रही है तो उस हाई स्पीड को थोड़ा सा डिसलरेट कर देते हैं, कम कर देते हैं और उस फोर्स को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हाउसेस और वेजिटेशन को प्रोटेक्शन मिल सके. फॉरेस्ट एब्जॉर्ब डस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर से डस्ट और कुछ अदर पॉल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. ट्रीज एक्ट एज नॉइज बैरियर्स एंड रिड्यूस पॉल्यूशन थ्रू ए फिनोमेना कॉल्ड साउंड एटेन्यूएशन. ट्रीज एक अगर बहुत तेज नॉइज है तो एक नॉइज बैरियर की तरह यूज कर एक्ट करते हैं और पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और इस फिनोमेना को हम साउंड एटेन्यूएशन कहते हैं. विच मीन्स डैम्पिंग ऑफ साउंड, मतलब साउंड का धीमा होना, हल्का होना. ट्री पार्ट्स सच एज स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस एंड वुड एब्जॉर्ब साउंड वेव्स. अब जो ट्रीज के पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेम्स है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं या वुड है, ये सभी साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं. फॉरेस्ट आर द वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट एक कंट्री का वेल्थ होते हैं और एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं. फॉरेस्ट आर द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री. द वाटर वेपर रिलीज्ड बाय ट्रीज ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू इंक्रीज द रेनफॉल. जो वाटर वेपर ट्रीज से रिलीज होती है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उससे रेनफॉल के इंक्रीमेंट में हेल्प मिलती है. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट्स द रेनफॉल इन एन एरिया. अब हम देखेंगे जहाँ पर फॉरेस्ट की कटिंग होती है वहाँ पर रेनफॉल कम होने लगती है क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है. द रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर. जो पेड़ों की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बांधे रखती हैं और उसको विंड इरोजन और वाटर इरोजन से बचाती हैं. व्हेन द लीव्स फॉल दे गेट डिकम्पोज्ड एंड मेक द सॉइल मोर फर्टाइल. जब लीव्स गिर जाती हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं और सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं. मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट. कई लोग भी फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं. अब हम जानेंगे फॉरेस्ट लेयर्स के बारे में. द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ए ट्री इज नोन एज द क्राउन ऑफ ए ट्री. अब जो एरिया ट्री का होता है जिसमें ब्रांचेस हैं, आपकी लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उस पार्ट को हम क्राउन ऑफ ए ट्री बोलते हैं. डिफरेंट ट्रीज हैव क्राउन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अब अलग अलग पेड़ों के क्राउन्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स आर क्रिएटेड इन द फॉरेस्ट. अब होता क्या है, कुछ प्लांट्स की ज़्यादा हाइट है उनके क्राउन ज़्यादा ऊँचे हो जाते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स हैं, छोटे ट्रीज हैं तो उनकी क्राउन कम हाइट के होते हैं. तो इस तरह से
एक फॉरेस्ट एरिया में कई तरह की हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं। अब इन लेयर्स के नाम है आपके, पहली तो आ जाती है आपकी एमर्जेंट लेयर, उसके नीचे कैनोपी, उसके नीचे अंडरस्टोरी एंड द लास्ट वन इज फॉरेस्ट फ्लोर। सबसे पहले हम बात करेंगे एमर्जेंट लेयर की। टॉलेस्ट ट्रीज इन द फॉरेस्ट में रीच अ हाइट ऑफ अप टू 200 फीट। जो जब सबसे टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में वो लगभग 200 फीट की हाइट अटेन कर लेते हैं और एमर्जेंट लेयर बनाते हैं। इस एरिया में क्या होता है, प्लेंटी ऑफ सनलाइट होती है और प्लेंटी ऑफ रेन होती है। इनको, इस लेयर को एडवांटेज ये मिलता है कि पूरी सनलाइट मिलती है और पूरी रेनफॉल का एडवांटेज मिलता है। ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट प्लांट्स रीच दिस लेवल। अब होता क्या है, जो प्लांट्स सबसे टॉलेस्ट होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, वही इस लेवल तक रीच कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन दिस लेयर आर ब्रॉड लीव्ड हार्डवुड एवरग्रीन्स। ज़्यादातर ट्रीज इस लेयर में ब्रॉडली मतलब चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं, वुड हार्ड होता है और एवरग्रीन होते हैं, पूरे साल इनकी लीव्स इन पर रहती हैं। एनिमल्स फाउंड इन दिस लेयर आर टोकन, मैकाव, हॉर्नबिल्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, मॉन्कीज, स्नेक्स, बैट्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी कैनोपी लेयर। इस लेयर में क्या है कि जो टॉल ट्रीज जिनकी ब्रांचेस लगभग 100 फीट तक पहुंच जाती हैं वो एक ग्रीन रूफ बना लेती हैं जिसको हम कैनोपी बोलते हैं। द थिक कवरिंग ऑफ लीव्स हार्डली अलाउज एनी सनलाइट टू कम इन। अब होता क्या है, ये कवरिंग इतनी थिक हो जाती है कि सनलाइट इसके नीचे जा ही नहीं पाती। द एनिमल्स फाउंड इन द कैनोपी लेयर आर बर्ड्स, मंकीज, ऑरंगउटांस, स्लॉथ्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। द कैनोपी लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म्स बट ऑल्सो इंटरसेप्ट स्लाइड्स एंड प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू स्पर्सली वेजिटेटेड अंडरस्टोरी लेयर। अब होता क्या है, जो कैनोपी लेयर है वो स्ट्रॉन्ग विंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्टॉर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट लाइट और रेनफॉल को अपने नीचे जाने नहीं देती। इससे क्या होता है, कैनोपी के नीचे जो अंडरस्टोरी लेयर है वो ज़्यादा पनप नहीं पाती, उसमें ज़्यादा अच्छा वेजिटेशन हम देख नहीं पाते। मैनी एनिमल्स लिव इन दिस एरिया सिंस फूड इज़ अबंडेंट। अब होता क्या है, कई एनिमल्स यहाँ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि खाने की इधर कमी नहीं होती। कैनोपी ट्रीज आर एबल टू फोटोसिंथेसाइज रैपिडली ड्यू टू अबंडेंट लाइट। या इस एरिया में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से देखने को मिलता है क्योंकि लाइट काफ़ी अच्छी रहती है और ये कैनोपी लेयर ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट के लिए और फॉरेस्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका अंडरस्टोरी लेयर। ब्रेन फॉरेस्ट में हम देखेंगे द वेजिटेशन दैट ग्रोज अंडर द शेड ऑफ ए कैनोपी इज नोन एज द अंडरस्टोरी। अब सबसे पहले आपकी एमर्जेंट लेयर आ गई, उसके बाद आपकी कैनोपी आ गई और कैनोपी के नीचे आ गई आपकी अंडरस्टोरी। अब इन दोनों एमर्जेंट और कैनोपी के नीचे जो वेजिटेशन ग्रो कर रही है वो एक तरह से शेड में ग्रो कर रही है क्योंकि सारी सनलाइट तो आपका एमर्जेंट लेयर और कैनोपी लेयर ले लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, दिस लेयर इज़ वेरी हॉट एंड डैम्प, गर्म रहती है, डैम्प रहती है, मॉइस्चर रहता है। वेरी लिटिल सनशाइन रीचेस दिस लेयर, बहुत कम सनशाइन यहाँ तक पहुँच पाती है। सो द प्लांट्स हैव टू ग्रो लार्जर लीव्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। तो होता क्या है, प्लांट्स को बड़ी बड़ी पत्तियाँ ग्रो मतलब प्लांट्स में बड़ी बड़ी पत्तियाँ डेवलप हो जाती हैं ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट का एडवांटेज ले सकें। देयर आर डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द अंडरस्टोरी। अब कई तरह की हॉरिजॉन्टल लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं हमें अंडरस्टोरी में। टॉल ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे टॉलेस्ट ट्रीज होंगे वो हमारे अंडरस्टोरी की अपर मोस्ट लेयर बनाएंगे। उसके नीचे छोटे ट्रीज होंगे जो श्रब्स या टॉल ग्रासेस होते हैं और उसके नीचे आपके हर्ब्स होंगे जो कि लोएस्ट लेयर बनाते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन द अंडरस्टोरी आर आउल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बटरफ्लाइज, जैगुआर्स, लियोपार्ड्स, मंकीज, वेरियस काइंड ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के भी कई वेराइटीज़ मिलेंगी जैसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, रेड आई फ्रॉग एक्सेट्रा। देर इज़ ए लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ इंसेक्ट्स इन दिस रीजन। अब यहाँ पे इंसेक्ट्स भी काफ़ी क्वान्टिटी में मिलती हैं लेकिन यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो 12 फिट से ज़्यादा की ऊँचाई से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। अब आ जाता है हमारा फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है एक डार्क डैम कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड हर्ब्स। होता क्या है, एक तो डार्क होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट तो बिल्कुल ही नहीं पहुँचती। डैम्प होगा, सनलाइट नहीं पहुँचती इसलिए ड्राई नहीं हो पाता, हमेशा मॉइस्ट रहता है।
कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, वो इसलिए क्योंकि जो पेड़ों की पत्तियां झड़ती हैं वो सब यहाँ पर फ्लोर पर मिलती हैं, जो कि डेड हो जाती हैं और कभी कभी डिके भी कर जाती हैं। फ्रूट्स मिलेंगे, जो ट्री से फ्रूट्स गिर जाते हैं, सीड्स मिलेंगे, ट्विग्स मिलेंगे और हर्ब्स भी मिलेंगे। मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स आर फाउंड हेयर विच एग्जिबिट यूनिक एडेप्टेशंस टू सर्वाइव थ्रू द मिनिमम लेवल्स ऑफ सनलाइट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब होता क्या है, यहाँ पर कई तरह की स्पीशीज मिलेंगी आपको, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी और डिकम्पोजर्स की भी, जो अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस एग्जिबिट कर लेते हैं ताकि वो कम से कम सनलाइट में भी डेवलप कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पर प्रेजेंट है। द फॉरेस्ट फ्लोर इज होम टू मिलीपेड्स, बीटल्स एंड लार्ज एनिमल्स लाइक राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट्स, कोबरास एक्सेट्रा। इस सब तरह के जानवर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया भी मिलेंगे, फंजाई भी मिलेंगे, लेकिन इसी लेयर में मिलेंगे। ओनली 2% ऑफ सनलाइट रीचेज द फॉरेस्ट फ्लोर, सिर्फ 2% सनलाइट ही फॉरेस्ट फ्लोर पर पहुँच पाती है। जो न्यू ट्रीज हैं, जहाँ जहाँ सनलाइट का पैच दिखेगा वहीं पर ग्रो कर जाते हैं, बाकी जब पर उनके लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। पूरे ग्राउंड को डेड लीव्स कवर कर लेती हैं। जो फंजाई हैं वो डीकेइंग प्लांट मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। इंसेक्ट्स डेड लीव्स के ऊपर रहना पसंद करती हैं। रोडेंट्स मिलेंगे, इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स मिलेंगे, इनको इतना खाना मिलता है फॉरेस्ट फ्लोर पर कि यहीं रहना पसंद करते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर इज ऑल्सो कॉल्ड द डिट्राइटस, डफ और द ओवराइजन। अब इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए, डिट्राइटस भी बोलते हैं, डफ भी बोलते हैं या ओवराइजन भी बोलते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर इज वन ऑफ द रिचेस्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये फॉरेस्ट फ्लोर इकोसिस्टम का वन ऑफ द रिचेस्ट कॉम्पोनेंट्स होता है, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हर तरह का आपको डिकम्पोजर्स भी देखने को मिलेंगे, आपको इन्वर्टिब्रेट्स भी देखने को मिलेंगे, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया भी मिलेंगे। द फॉरेस्ट फ्लोर सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन द अबव ग्राउंड वेजिटेशन एंड द सॉइल एंड इट इज़ ए क्रूशियल कॉम्पोनेंट इन न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। अब फॉरेस्ट फ्लोर क्या है कि एक अबव ग्राउंड वेजिटेशन है और एक सॉइल है, इन दोनों को कनेक्ट करती है एंड इट इज़ अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट इन न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। होता क्या है, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो हमारे डेड एंड डीकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके वो वापस सॉइल में मिल जाते हैं, इसीलिए ये एक क्रूशियल कॉम्पोनेंट है न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। मच ऑफ द एनर्जी एंड कार्बन फिक्स्ड बाय द फॉरेस्ट इज पीरियोडिकली एडेड टू द फॉरेस्ट फ्लोर। अब होता क्या है, काफ़ी एनर्जी और जो कार्बन फिक्सेशन होती है फॉरेस्ट से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस प्रोसेस को हम कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं, तो ये फॉरेस्ट फ्लोर में धीरे धीरे ऐड होती जाती है, सॉइल सरफेस पे ऐड होती जाती है। हार्डली एनी सन रीचेस द फॉरेस्ट फ्लोर, तो यहाँ पर डीके प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर।